हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, देख रहे हैं आप हरियाणा न्यूज। सियासत का सफरनामा के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। सियासत में नामांकन भरना बंदूक में कारतूस भरने जैसा है। नामांकन करके आप ये बता देते हैं कि हमने अपने हथियार तैयार कर लिए हैं, अब वो बंदूकें चुनावी रैलियों में जमकर गूंजेंगी और फिर उनकी गोलियों का कितना असर होता है ये देखना 24 अक्टूबर को होगा। मगर कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि इन्हीं रैलियों को ध्यान से सुनना है, जिसमें आपको खाने और दिखाने वाले हाथी के दांत दिखाई देंगे, जिसे सुनकर आप फैसला करेंगे कि अगर वोट दें तो दें किसे। जी हाँ, तो चुनावों में मुद्दे उस मसाले की तरह काम करते हैं जिनके बिना आपका खाना फीका सा हो जाता है, क्योंकि मुद्दों का मसाला जब डाला जाता है तभी तो राजनीति की कढ़ाई में वायदों के पकवान बनते हैं, जिसे जनता अपने स्वादानुसार चखती है। सियासत में मुद्दे न हो तो राजनीति बीमार से लगने लगती है, इसलिए कहते हैं कि सियासत में मुद्दों को कभी भी मरने नहीं देना चाहिए, ताकि राजनीति की तबीयत हमेशा ही चंगी रहे। हरियाणा में चुनावी बिगुल तो न जाने कब से बज गया था, मगर हर जगह यही चर्चा थी कि इस बार वो मुद्दे कौन से होंगे जिस पर पार्टियां अपना सियासी निशाना साधेंगी। हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में बीजेपी अकेली पार्टी है जिसने सीटों की जीत को लेकर एक आंकड़ा दिया हुआ है। लोकसभा की जबरदस्त जीत के बाद पार्टी विधानसभा चुनावों के लिए भी काफी आश्वस्त है, इसलिए उसने अपने चुनावी मुद्दों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है। पार्टी एक बार फिर राष्ट्रवाद के रथ को ही दोनों प्रदेशों में दौड़ाएगी। तीन तलाक, यूएपीए बिल और अनुच्छेद 370 वो हथियार हैं जिनके बल पर पार्टी ये चुनावी रण जीतना चाहती है। पार्टी पहले ही बोल चुकी है कि वो इन तीन मुद्दों का प्रचार प्रदेश भर में करेगी। एक विषय की चर्चा मीडिया के लोग बहुत उत्सुक रहते हैं, हम सही बार बार पूछते हैं, आज कोर ग्रुप में भी उसकी चर्चा हुई कि आखिर कितनी सीटें जीतेंगे। तो इसमें भले ही हम अलग अलग से कोई आंकड़ा सामने रखते रहे हैं, आज सबके विचार लिए गए। मैंने तो उसमें पहले आपके सामने आज सवेरे तक यही रखा था कि एक प्रचंड बहुमत हमको मिलेगा, लेकिन आज सारे प्रदेश की स्थिति को आकलन करते हुए, ध्यान में रखते हुए हमने सोचा है, हमने टारगेट रखा है कि 75 सीटें ये भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत करके और मिशन 75 इसको जीत करके और हम अपना लक्ष्य पूरा करेंगे। इस प्रकार का एक लक्ष्य, एक आंकड़ा, एक मिशन ये रख करके हम चल रहे हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल यही है कि उसका राष्ट्रवाद क्या सचमुच असरदार होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी को लेकर पार्टी चौतरफा घिरी हुई है और विपक्ष उसे छोड़ने वाला नहीं। सीएमआईई की रिपोर्ट के बाद तो हरियाणा बेरोजगारी में पहले पायदान पर पहुंच गया, और यही नहीं, कई जगहों पर कर्मचारियों की हड़ताल भी मुद्दा बनकर चुनावों में अपना सर उठा सकती है, जो कम से कम पहली बार सीएम बने मनोहर लाल तो बिल्कुल नहीं चाहते। हालांकि मोदी मैजिक के आगे पार्टी काफी कॉन्फिडेंट है कि राष्ट्रवाद हर हाल में काम करेगा ही, और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद तो उसका कॉन्फिडेंस काफी ऊपर पहुंच गया है। संबंध में तैयारी में अभी तक जितनी तैयारी है उसमें मैं समझता हूं कि एक संतोषजनक तैयारी, क्योंकि स्वाभाविक है लोकसभा का चुनाव हम लड़े हैं और जो लोकसभा के चुनाव की तैयारियां थी वो सबकी सब विधानसभा के चुनाव में भी होंगी ही निश्चित रूप से तैयारियां। जितना भी कार्यकर्ता वर्ग है, जितनी हमारी टीम टोली है, वो बूथ लेवल पर एक्टिव होकर के सारे अभियान को बड़े तेजी के साथ आगे बढ़ाएगी और एक सुखद परिणाम ये हम लोग अक्टूबर के जब भी परिणाम निकलेगा, लगभग पिछली बार 19 अक्टूबर को परिणाम आया था और 15 अक्टूबर को शायद चुनाव हुआ था, तो लगभग उसी समय पूरा होते ही ये अक्टूबर का जो उत्तरार्ध है उसमें ये प्रसन्नता का समाचार आपको जरूर हम देंगे। देखा जाए तो विपक्ष की कमजोरी पार्टी के लिए सबसे बड़ी संजीवनी बनी हुई है। इनेलो पिछले 2-3 सालों से लगातार टूटती रही है, जबकि कांग्रेस भी सियासी मंच पर बटी हुई नजर आई है। इन दो मजबूत पार्टियों के अलावा प्रदेश में ऐसा कोई खास बचा नहीं है। अब तक किसी भी पार्टी ने ये नहीं बताया कि वो कितनी सीटें लेकर आएगी, और यही दिखाता है कि बाकी पार्टियां कितनी तैयार हैं।
इस बात से मौजूदा सरकार तो काफी खुश है कि सामने कोई है ही नहीं, और आने वाले समय में भी वो यही तैयारी कर रही है कि विपक्ष नाम की मुसीबत सामने ही ना आए। जहां तक फील्ड में बाकी विपक्षी दलों का भी आकलन सब किया गया है, और जैसा सबको ध्यान में है कि आज विपक्षी दल सब निराश हैं, हताश हैं, और उनके गठबंधन जो बने वो टूटते जा रहे हैं, और नई नई भी बातें उभर करके आ रही हैं। अब वो तो जैसे सामने आएंगी वो आपको भी पता लगेगा, हमको भी पता लगेगा, लेकिन घोर निराशा विपक्षी दलों में इस समय है, और उसका ये बात ठीक है कि जनता उनको अब जमीन उनकी पैरों के नीचे से निकल चुकी है। जनता समझ चुकी है कि जो इनके समय का कुशासन था वो इनके सामने आया है, और जो अपनी पार्टी को अपनी टीम को साथ लेकर के नहीं चल सकते तो निश्चित रूप से वो प्रदेश का भी कोई भला करने के नहीं सोच सकते। तो इसलिए उसका भी एक लाभ, चाहे हम चाहें या न चाहें, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का उसका लाभ होने वाला है। इन चुनावों में बीजेपी भले ही राष्ट्रवाद के रथ पर सवार हो, मगर ये राष्ट्रवाद उसके लिए वरदान भी हो सकता है और श्राप भी, क्योंकि ये विधानसभा है, यहाँ प्रदेश के मुद्दे ज्यादा हावी होते हैं, और बीजेपी ने लोकसभा चुनावों के बाद से हरियाणा में काफी सारे झंडे गाड़े हैं, मगर पार्टी पीएम नरेंद्र मोदी की छत्रछाया में काफी खुश दिख रही है, और ये मानकर चल रही है कि बिखरा विपक्ष जब तक खुद को समेटेगा तब तक तो चुनाव बीत चुके होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़।